स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो हब में। तो गाइस आज है आपके सामने द ओनली मारुति इको इन द लेटेस्ट 5 सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट जो आप अपने ठीक सामने देख रहे हैं। और रियर साइड में आप देख सकते हैं भाई बढ़िया सा इसमें आपको सीएनजी सिलेंडर भी दे रखा है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स बताएंगे विद ऑल न्यू मारुति इको 5 सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट की विद द लेटेस्ट प्राइसेस जो कि आपको अप्रैल 2022 में देखने को मिलेगी और इन फ्यूचर भी यही प्राइसिंग हमारे हिसाब से रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इको की छोटे से बड़ी चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे जो कि आप अपने ठीक सामने भाई गाड़ी देख रहे हैं। ग्रे कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी का जो कि भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर से अच्छा ये वाला कलर है नो डाउट। और सीएनजी वेरिएंट में तो भाई सच में फ्यूल इकोनॉमी इसमें काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड करी जाती है। इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं तो 1.2 लीटर का बढ़िया सा पेट्रोल इंजन आता है इस गाड़ी में जो कि आपको आगे बोनेट पे नहीं इन द अंडर द सीट्स देखने को मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो सीएनजी में भी 20 पॉइंट कुछ फिगर्स का माइलेज है जो कि हम आपको अभी स्क्रीन पर भाई मेंशन कर देंगे। बाकी अब एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लें तो करीब करीब 5,94,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी की हो चुकी है। काफ़ी अच्छा प्राइस हाइक हुआ है इस गाड़ी में। और मैं आपको बता दूं तो भाई इसमें आपको एज ए स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स देखने को मिल चुके हैं क्योंकि भाई गवर्नमेंट नॉर्म भी हर गाड़ी के लिए बनाया गया है। न्यू एक्सेसरीज का भी इंट्रोडक्शन किया जा चुका है जो आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया सा फुटरेस्ट आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है और सीएनजी को फिल अप करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे सिस्टम मिल जाता है बाहर साइड से। तो अब चलते हैं, सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट दिखा देते हैं, की से शुरुआत करते हैं। तो की कुछ ऐसी है दोस्तों, काफ़ी चीज़ की है नो डाउट। सेंट्रल लॉकिंग वगैरह आपको तो नहीं मिलती इस गाड़ी में, बट आप जो है आफ्टर मार्केट इस गाड़ी में सब फिट करा सकते हैं। इंटीरियर्स की बात करें तो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता है इन द 5 सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट। और अब चलते हैं फ्रंट की तरफ एक बार फिर। तो काफ़ी अच्छा सा ग्रिल दिया है ब्लैक का, नीचे आपको फॉग लाइट्स तो नहीं मिलती हैं एसी में इको 5 सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हैलोजन हेडलैम्प्स, नीचे आपको फॉग लैम्प्स की हाउसिंग दी गई है बट आफ्टर मार्केट एज योर विश इंस्टॉल आप करा सकते हो इस गाड़ी में। बीच में सुजुकी का लोगो दिया है, काफ़ी अच्छा सा बोनेट है जो आप देख पा रहे होगे। और ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बार बार इसी कलर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। तो इको की साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया है नो डाउट। स्लाइडिंग वाला डोर मिल जाता है, काफ़ी बड़े ग्लासेज एरिया हैं। सीएनजी के साथ एसी होने पर काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी मुझे पसंद आती है क्योंकि भाई आपका जो है फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़िया है, प्लस आपका इस गाड़ी का एसी भी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो इंडिकेटर जो है आपका अच्छा खासा फेंडर पे मिल जाता है। ओआरवीएम की बात करें तो मैन्युअली एडजस्टेबल है विदाउट एनी काइंड ऑफ डंडी फीचर जैसा आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए फंक्शन दिया गया है विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंट्रल लॉकिंग। यहाँ पे जो है आपको की लगा के आप इसका फ्यूल अप करा सकते हो। और कुछ ऐसा डिज़ाइन है डोर्स पे, अभी डीप में हम लोग ज़रूर इसको जानेंगे। तो भाई डायमेंशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे डायमेंशंस है इस गाड़ी में जो कि आप देख सकते हो भाई। व्हील बेस काफ़ी बढ़िया है। अब व्हील साइज की भी बात कर लेते हैं तो व्हील साइज कुछ आता है इसमें 13 इंच का R13 प्रोफाइल के अपोलो के टायर दिए जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। इको जो है पहाड़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा चलाई जाती है आज की डेट में। अब डोर्स का खोल के दिखा देते हैं आपको, तो भाई काफ़ी अच्छे से डोर इसका खुल जाता है, स्लाइडिंग वाला फंक्शन है। स्पेस की बात करें काफ़ी अच्छी स्पेस है इस गाड़ी में, वो भी हम लोग अभी डीप में कवर अप करेंगे। सबसे अच्छा तो गाड़ी में भाई बूट स्पेस मिलता है जो आप देख सकते हो। सीएनजी सिलेंडर लगने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सीएनजी 60 लीटर की कैपेसिटी का है जिसमें आप आराम से 10 किलो गैस भरा सकते हैं, यानी 12 केजी का आपका सिलेंडर है ये। और यहाँ पे अच्छी खासी कवरिंग भी दी गई है इको के। रियर टेलगेट को जब हमने बंद किया है तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें सुजुकी का लोगो आता है। नीचे यहाँ पे ब्लैक ग्लॉस का फिनिश है, यानी यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है द ऑल न्यू इको में। टेल लाइट्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, छोटा सा है बिल्कुल दोनों तरफ आपको। और ग्लास एरिया तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको सीएनजी की बैजिंग मिलती है, ऊपर आपको कुछ ऐसा रूफ का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं ब्लैक कलर के बम्पर के साथ। तो ओवरऑल एक्सटीरियर हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कवर अप कर लिया द ओनली मारुति इको का जो कि काफ़ी अच्छा था। एक्सेसरीज़ के फिटमेंट के साथ ऑन रोड प्राइसिंग अगर आपको बताएं तो बेसिक एक्सेसरीज़ के पैकेज के साथ ये गाड़ी आपको पड़ती है करीब 7,12,000 रुपये की और 5,94,000 इस गाड़ी की एक्स शोरूम है।
अब बिना किसी देरी के चलते हैं इको के बढ़िया से इंटीरियर्स की तरफ। तो की हमारे हाथों में है, फ्रंट डोर पे आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे पावर विंडो तो नहीं आती है, बट काफ़ी अच्छा सिस्टम है वो है ये। एक तरफ आपको सीएनजी का फिलअप देखने को मिल जाता है, प्लस आपका यहाँ पे हेडलाइट्स का एडजस्टर भी दिया गया है इनफैक्ट। तो डोर्स पे फिनिश नॉर्मल सा है, हार्ड प्लास्टिक का पूरा पूरा यूज़ है और पूरा का पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर है। तो इको की अपहोस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है हमको, चलते हैं इको के इंटीरियर्स में। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं द ऑल न्यू इको के बढ़िया से इंटीरियर्स पे। इसकी सीट जो है ये आप आगे पीछे कर सकते हो जैसा आपने अभी देखा, और शीशे को चढ़ा लेते हैं। अब सुनते हैं इंजन का साउंड। तो इको का इंटीरियर आप देख सकते हो कुछ खास नहीं है। तो गाइज फैन की स्पीड भाई काफी अच्छी, बिल्कुल फर्राटे जैसा फैन है इस गाड़ी का। फैन की स्पीड को करते हैं लो, और यहाँ पे आप देख सकते हो एमआईडी फीचर्स की बात करें पूरी 180 की मार्किंग के साथ आपको एक तरफ फ्यूल का बता रहा है, और ट्रिपोमीटर से आप सेट कर सकते हो। सीएनजी की जो लाइन से यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हो, और चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। अब बात करते हैं एक्सेसरीज वगैरह की। तो यहाँ पे अच्छी खासी एक्सेसरीज आपको लगाई गई हैं इको में। म्यूजिक सिस्टम भी है, सीट्स कवर हैं, और फ्लोर मैट्स इस गाड़ी की उस साइड भाई बाहर पड़ी हुई जो आप देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे मिरर आपको नहीं मिलता है, वैनिटी मिरर, और यहाँ पे भी नहीं है टिकट होल्डर। एक रूफ लाइट आपको यहाँ पे दी गई है और एक रूफ लाइट आपको पीछे साइड वहां पे दी गई है। स्पेस की बात करें तो अच्छी खासी स्पेस है, बहुत ही गहरा यहाँ पे है, एक बढ़िया सा कप होल्डर है इनफैक्ट, और यहाँ पे कुछ स्पेस है। ग्लोव बॉक्स का साइज काफी डिसेंट है नो डाउट, और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस है, और एक आपका यहाँ पे आउटपुट चार्जर वगैरह आपको दिया गया है। तो इको में बैठने के बाद काफी अच्छा लगता है नो डाउट। स्टेयरिंग पे रैप है ब्लैक कलर का एज एक्सेसरी, और यहाँ पे माइक्रोफोन लगाया गया जो आप देख पा रहे होंगे। तो इको का एसी सच में काफी अच्छा वर्क कर रहा है। चलते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ। तो रियर सीट्स के डोर को ओपन करने में ही ये काफी अच्छी एक्सेसरी लगाई गई है जो आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इको के लिए काफी बेस्ट एक्सेसरी है ये, और लेग रूम बहुत ही बढ़िया है, आराम से बैठ सकते हैं। और इवन हेड रूम की बात करें तो इको इज अ सच अ टॉल बॉय जो आप देख पा रहे हैं, नो डाउट भाई काफी अच्छा लगता है इको में बैठने के बाद। और एक प्रॉपर मुझे एसी की पूरी यहाँ पे फील आ रही है, और इंटीरियर काफी डिसेंट सा यहाँ पे हमें फील हो रहा है। पीछे का बूट स्पेस भी देख लेते हैं, यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। एक रूफ लाइट है जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल इको इज सच अ वैल्यू फॉर मनी इन जस्ट 7 लाख रुपीज। तो भाई 7 लाख रुपए की ये कार, हमें कमेंट सेक्शन बताएं आपको कैसी लगी। तो इंजन को करते हैं ऑफ, वाइब्रेशन थोड़ी बहुत यहाँ पे सुनने में जरूर आती है द ऑल न्यू इको में। 2022 वेरिएंट की पूरी जानकारी दी हमने आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा रिगार्डिंग द ऑल न्यू मारुति इको 5 सीटर एसी सीएनजी वेरिएंट। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। होपफुली आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पीएस मोटर। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।